रोज की पूजा पाठ करते समय बोल दीजिए यह तीन शब्द, मनोकामना अति शीघ्र पूर्ण होगी और तुरंत कष्टों का निवारण होगा। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सभी? आप सभी जानते होंगे देवी देवताओं का तेज दीपक प्रज्वलित करते समय, ज्योत प्रज्वलित करते समय हमारी पूजा में आता है। दीपक में कई तरह के संकेत भी मिलते हैं, साथ ही दीपक जब प्रज्वलित होता है तो नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और सकारात्मकता पूरे घर में हमारे विद्यमान हो जाती है। हम कोशिश करते हैं कि दीपक सही विधि से पूर्ण तरीके से हम प्रज्वलित कर पाए। ऐसे में हमेशा ही मैं दीपक लगाने के नियम बताती हूँ, परंतु आज कुछ ऐसी विशेष जानकारी दूंगी जो आप सभी को अभी तक मैं नहीं दे पाई हूँ। मेरी कोशिश रहती है मेरी वीडियोज़ में हमेशा आपको बेस्ट जो है अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले, ताकि हमेशा एक बार सीख ली जाए तो हमेशा आपके काम आए। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं। जैसा कि रोज दीपक प्रज्वलित करना, भले ही आप पीरियड से हो, सूतक पातक की स्थिति हो, तो आपको अपने बच्चे से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। यकीन मानिए, बच्चों के जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, वह कभी गलत राह पर नहीं भटकेंगे, उन्हें जो है आध्यात्मिक मार्ग उनके लिए प्रशस्त होगा। धीरे धीरे इस चीज की आदत लग जाएगी। जब भी घर में दीपक प्रज्वलित नहीं होगा ना, खुद बच्चे आगे होके कहेंगे कि मम्मा पापा, आज घर पर आपने देवी देवताओं के आगे दीप प्रज्वलित किया या नहीं। इस बात को नोट करते हुए चलिए, प्रत्येक महिला जो है घर की द्योतक होती है और केंद्र बिंदु होती है। घर में जैसा आध्यात्मिक माहौल या जैसा भी वह माहौल बनाती है, उसका सुख, उसका जो है प्रभाव सभी व्यक्तियों पर पड़ता है। तो आप सभी को रोज का नियम बना लेना चाहिए, अति श्रेष्ठ है सुबह शाम दीपक प्रज्वलित करना। कई और पुरुष तो हमेशा देवालय में, तुलसी माता में, घर के मुख्य द्वार पर दीप प्रज्वलित करते ही हैं। इसका सुख वह प्राप्त करते हैं। शास्त्र वर्णन कहता है, गृहस्थ जीवन में एक इष्ट का निर्धारित करने के बाद सभी देवी देवताओं का पूजा के समय आवाहन करना चाहिए और रोज की पूजा में उनका स्मरण करना चाहिए। कुल देवी हो, देवता हो, आपके पितृ हो, या सभी देवी देवता जो हिंदू धर्म में गृहस्थ जन है, उन्हें जो है रोज उनका स्मरण करना चाहिए, तभी जो है पूजा संपन्न मानी जाती है। परंतु एक इष्ट का आपको निर्धारित जरूर से अपने जीवन में करना चाहिए, जिससे कि तत्काल आपके, जब आप कष्ट में हो, आपके इष्ट आपके सामने हमेशा विराजमान हो। तो ऐसे में आप सभी को जब भी पूजा करें यह तीन शब्द जरूर से बोल देने चाहिए। विधि विधान से हाथ पैर धोएं, कुल्ला इत्यादि करें। शाम को अगर आप नहा नहीं सकते तो जरूर से आप जो है साफ सुथरे कपड़ों का इस्तेमाल करें और कुल्ला इत्यादि करने के बाद जल का छीटन करें और जो दीपक प्रज्वलित करें से भी पूर्ण रूप से साफ सुथरा करें। पहले से अगर उसमें बाती पड़ी है तो उसे साफ करें, उसका तेल जो है हटा लें, उसके बाद ही आप सभी जो है दीप प्रज्वलित करें और दोनों हाथ को करबद्ध करते हुए, अर्थात दोनों हाथों को जोड़ते हुए भगवान से सबसे पहले उनका स्मरण करें कि प्रभु मेरे घर आए, घर में नकारात्मकता का नाश करें और सकारात्मकता का प्रवाह करें, मैं दीप प्रज्वलित कर रही हूँ। ऐसा प्रार्थना करते हुए निरंतर कोई भी साधारण सरल मंत्र जिन्हें आप सामान्य तौर पर जाप कर सके। देखिए, मंत्र जाप करने का अपना एक विशेष महत्व है। हमारे पौराणिक शास्त्रों में अगर देवी देवताओं को, प्रभु को पाया है सभी भक्तों ने, तो सबसे पहले मंत्र जाप किया है। वह किसी भी रूप में किया हो, उसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव होता है। परंतु मंत्र जप की शक्ति थोड़ा नियम धर्म के साथ हम सभी को प्राप्त होती है। परंतु कुछ साधारण मंत्र होते हैं जिन्हें चलते फिरते सामान्य तौर पर जाप किया जा सकता है, जैसे कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। यह सरल साधारण मंत्र कभी भी किसी भी अवस्था में किसी रूप में जाप किए जा सकते हैं। इनका तत्काल हम सभी को फल प्राप्त होता है। तो आप सभी को जब भी दीप प्रज्वलित करें तो मन में किसी तरह की गलत भावना या विचारों को आने नहीं देना है। निरंतर प्रभु की छवि अपने नेत्रों के सामने बसानी है और दीप प्रज्वलित करना है। आपके पास जो है, जिस स्वरूप में है, उसे प्रभु को समर्पित कर दीजिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इस भावना के साथ आपको दीप प्रज्वलित करना चाहिए। साथ ही कभी भी, जब भी दीप प्रज्वलित करें, छल कपट राग द्वेष, भले ही आप पूजा पाठ कम करें, परंतु राग द्वेष छल कपट की भावना पूर्ण रूप से आपको परित्याग करनी है और उसके बाद ही दीप प्रज्वलित करना है, तभी आपको पूरी पूजा पाठ का फल मिलेगा। तो आप सभी जब भी दीप प्रज्वलित करें, भले ही किसी विधि से करें, सही तरीके से मैंने कैसे दीप प्रज्वलित किया जाता है, क्या नियम है, पहले ही वीडियो में आपको दी है। बहुत आपने यह वीडियो पसंद की है तो वह वीडियो देखिए और अपनी पूजा को पूर्ण रूप से संपन्न करिए।
परंतु जब भी दीपक प्रज्वलित करें तो इन तीन शब्दों को जरूर से बोलिएगा। वह तीन शब्द बताने जा रही हूँ, इन्हें एक बार अपने जीवन में रोज की आदत बना लीजिए। स्वयं आप बोलेंगे, थोड़ा जोर से बोलने का प्रयास करें ताकि बच्चों के कान में भी और घर के अन्य सदस्यों के कान में भी यह बात जाए और वह धीरे धीरे इन चीज़ों को एब्जॉर्ब करे और यह चीज़ें खुद ही आ जाती है। हमने अपने घर में बड़े बूढ़ों के मुँह से सुनी है, तो हमारे जीवन में भी हमें इन्हें रटने की या करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमारे साथ खुद ही यह चीज़ें आ गई हैं। तो आप सभी को भी घर में यह तीन शब्द रोज बोलने हैं। वह तीन शब्द हैं कि हे प्रभु, मैंने इस गृहस्थ जीवन और अपने भौतिक जीवन का निर्वाह करते हुए अगर किसी का दिल दुखाया है मन कर्म वाणी से, तो प्रभु मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। सच्चे भाव सच्चे मन से किया गया क्षमा प्रार्थना हमेशा बड़े से बड़े दुष्कर्म को भी माफ करता है। तो ऐसे में आप सभी को हमेशा अपने मन कर्म वाणी से प्रभु के आगे नतमस्तक हो जाएं कि हे प्रभु, अगर आप सच्चे भाव सच्चे मन से अपने दिन भर के कार्यों के लिए, हो सकता है आपने पूरे दिन भर में कुछ ऐसी बातें आपके मुँह से निकल गई हो, आप सच्चे मन के व्यक्ति है, आप करना नहीं चाहते, परंतु कुछ भार है, कुछ शरीर का भार है, कुछ कर्मों का भार है, आपको उसे निर्वाह करने के लिए झूठ बोलना पड़ता है किसी कारण से, कुछ गलती से आपसे कुछ गलत हो जाता है, परंतु उन चीजों के लिए आप शाम के समय में भगवान के सामने क्षमा प्रार्थी होते हैं कि प्रभु मैंने मन कर्म वाणी से हाथ जोड़कर, आपके नेत्रों के आगे एक प्रभु की छवि है और नेत्रों में अश्रु की थोड़ा सा भी मात्रा है, तो समझ लीजिए आपकी पूजा पूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। आपने दोनों हाथ जोड़ते हुए प्रभु से प्रार्थना कर ली कि हे प्रभु, मन कर्म और वाणी से किसी का भी गलती से दिल दुखा है, मुझसे किसी के लिए गलत हुआ है, तो दोबारा यह कार्य नहीं होगा और आज मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जानता हूँ मैं गलतियों का पुतला हूँ। अगर जो व्यक्ति क्षमावान हो जाता है, दोबारा उस कार्य को नहीं करता और किसी का भी कार्य करता है गलती से, मैं ये मानती हूँ गलती सभी से होती है, परंतु उन चीज़ों के लिए क्षमा प्रार्थी होते हैं और दोबारा उन चीज़ों को नहीं करते हैं, और साथ ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यह हमसे भूलवश हो गया है और उसके बदले किसी गरीब जन की सेवा करते हैं, किसी भूखे प्यासे व्यक्ति की, निर्धन की मदद करते हैं, तो यकीन मानिए आप पूजा से भी बड़ा कर्म कर रहे हैं। तो यही जो तीन शब्द हैं जो आप सभी को रोज की पूजा में नियमित रूप से अपना लेने हैं, कान पकड़ कर भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हों, तो फिर देखिए आपकी पूजा पाठ जरूर से संपन्न होगी। उपयोगी वीडियो रहा हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आप सभी मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर से लिखें। जय श्री राधे।